खिलाफ एक पत्र सौंपा गया। उन्होंने कहा है कि अधिकारी लोगों नूं बहुत परेशान कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। लोगों द्वारा धरना देना उच्च अधिकारियों की हदायतों तो बाद भी घरों उपरों लंघ रही हाई वोल्टेज तारा नहीं हटा रहे। दूजा मुद्दा इतों के पिंड कांगराइया का है, जिथे चार व्यक्ति हैं जो किसी मामले में दोषी पाए गए हैं, पर पुलिस वालों कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा है कि इस विच SHO की मिली भगत है और राजनीतिक दबाव भी है, जिस कारण पुलिस वालों आरोपियों खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा है कि जेकर साड़ियां मंगा की सुनवाई ना हुई तो असी इस धरने को वड्डे मोर्चे का रूप दे के संघर्ष होर भी तिखा करांगे। एक तो ऐसा ने इतने SDM साहब फलौर जी ने मतलब एक एप्लीकेशन देनी थी SDO अपरा और एक्शन गुराया जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों तो जोड़ा लोगों भावनावान खेडे आ, लोगों उन्होंने मिसगाइड किया, लोगों उलझाया, लोगों खराब किया। काफ़ी दिन धरने लाने के बावजूद भी उच्च अधिकारियों की हदायत होने तो बाद भी एक्शन कराया और SDO अपरा जोड़े आ बिजली दिया 11,000 वोल्टेज दारा जो लोगों के घरों तो नहीं हटा रहा है। सैकेंड इशू जोड़े इतने पिंड एक कांगराइया है वो पिछली 26 तरीक की कोई एक FIR हुई है 306 नंबर, वो बार बार उच्च अधिकारियों के ध्यान च लिया के बावजूद भी उत्ते कोई चार दोषी है जिन्होंने जोड़े गुंडे लोग वा उन्होंने नाल मिल के मतलब कि इन्हों साथियों सट्टा मारिया। इन्हों कभी पंजाब पुलिस जलंधर भेज दें, कभी लुधियाने भेज दें, कभी फलौर भेज दें थाने। 26 दिनों महीने के करीब हो चुका इन्होंने मतलब कि उन्होंने उत्ते कोई कार्रवाई जी अमल च नहीं लिया। 326 का रिजल्ट होने के बावजूद भी जोड़ा वो इदा ही गेड़ियाँ कढ़ा रहे SHO साहब की मिली भुगत वा दूजे दोषियों के नाल सुन च आ रहा भी वड्डे पद्धर से ये राजनीति और जी मिली भुगत पैसे की भी जी हो रही है। तो इस करके मतलब ये धरना जोड़ा इतने लगया गया। अज जे साथी आ जिन्हें सट्टा लगिया ये अज फिर इतने पहुँचते इन्हों का इतने दैल घटन लग पाया। इस करके DSP दफ्तर के बाहर ही जोड़ा उन्होंने ग्लूकोश लवा के डॉक्टर तो इन्होंने मंजे इतने बगा के इतने लाते, क्योंकि पिछली बार हॉस्पिटल भी दाखिल हुए सी, उस तो बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिलया। तो असं क्या असं लोगों की कचहरी से जाने प्रशासन कोई नहीं सुनता अगली कार्रवाई जी इतने व्डे पद्धर से धरना जोड़ा असी उलीकेंगे जे होर बहुत जोड़ा जल्दी साड़ी सुनवाई ना हो घंटे खंड के अंदर तो असी जोड़ा इस धरने लगातार पक्के मोर्चे इतने कन्वर्ट जोड़ा कर जा रहे हैं। उधर पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में कहा है कि कांगराइया विखे जो लड़ाई हुई है उस विच पाए गए दोषियों से बनती कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। कांगराइया इतों 15 दिन पहले लड़ाई हुई थी जिससे दो बंदे दाखिल हुए थे, उन्होंने जोड़ा है पुलिस ने बयान लिया, बयान दे के जो उस हिसाब जी इन्होंने बयान लिखाए हैं जो सट्टा आई 323, 324, 125, 143 पर्चा दिता हुआ तो ये जो दोषी ने उन्होंने अरैसट करके तो उन्हों 751 करके अदालत पेश किए गए हैं। उस तो अलावा जो हम डिस्चार्ज हो गए हैं तो पुलिस जो SC बख्शीश सिंह डिवीजन SHO वो अज मंडे का डॉक्टर साहब ने DMC जो टाइम दिता सी अगे जरा रिजल्ट की वाधा वा कोई ग्रीवियस आँदी है जी आना वह जो डॉक्टर अपने जी रिपोर्ट दे के वह पुलिस न अपनी ओपीनियन देंगे तो जो रिजल्ट आऊगा पुलिस वह जी धारा जो वाधी धारा वधा के वह अगली कार्रवाई की जाऊ। फिलौर तो राजकुमार नंगल की रिपोर्ट। नवीं ते ताज़ा खबरां सब तो पहला वेखण लई साडा YouTube चैनल सबसक्राइब करो। सांझ TV ते सिर्फ खबरां जानन दे लई नहीं, सभ्याचारक प्रोग्राम, खास मुलाकात दे विच सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू, इन्हां सारे इशूज़ नूं जानन दे लई सबसक्राइब करो अपना YouTube चैनल सांझ TV।